किचन की सेटिंग हो रही है, ये मैंने एक आदमी मंगवाए हैं, इसमें कुछ बर्तन रखूंगी क्योंकि अंदर वो जो होते हैं ना कबर्ड वगैरह वो बने हुए नहीं है लॉकर जिनमें बर्तन रखते हैं, तो इसलिए इन कार्टनों में बर्तन रखेंगे जो इस्तेमाल के हैं वो इस्तेमाल के लिए रखेंगे, जो ज्यादा है उनको इन कार्टनों में पैक करके ऊपर गैलरी में रख देंगे। तो अभी ये कार्ट रहे, ये टेबल मंगवाइए। हाँ ये वाले ये कार्टन टेप भी हमने मंगवाई है और ये कार्टन भी मंगवाया। यस अल्लाह वाले चक मारो। इसमें कुछ बर्तन आ जाएंगे। एक नंबर ले ये भाई हमारे कार्टन और क्या कहते हैं कार्टन टेप ले आए थे और एक नंबर ले आया कि कार्टन नहीं होना है सिंगल ही सही सी ऐसे सी चलेंगे ठीक हो गए। तो आज के बाद ये दोनों भी हमारी YouTube का हिस्सा बन चुके हैं तो इनको भी आप नेट पर देखा करेंगे। तो एक ही लाने का बस एक ही लाने एक ही बड़ी है आपा कोई सफर तले जाने ने उतर रखना है ना बस चलो जी एक बहुत है जनाब ऊपर बैठ गए थे बड़े सुकून से वो बेचारा शीश हो गया। बर्तन जो हमने ना जोड़ दिए हैं जो कार्टनों में मंगवाए उनमें बर्तन जोड़ के ये देखो एक ये कार्टन रखा हुआ है एक इसके पीछे और बाकी ये रख रही हूँ मैं क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे चीजें रखना। बढ़िया चौक होगी चलो आ जाने पर्दा लग जाएगा। हाँ हाँ कल लगाएंगे ना पर्दा यहाँ पर इंशाल्लाह कल ले आएंगे ना न्यू तो फिर लगाएंगे पर्दा बारले वाले ले आएंगे और ये भी ले आएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं यहाँ बैठ के इनको खा लूँ। आपने भी खा ली है? नहीं खा ले किचन वैसे अच्छा बन गया। चलो हमारी फैमिली भी कहती थी किचन आपका सही नहीं किचन चेंज करें सफाई रखें आप सफाई रखेंगे इंशाल्लाह। देखें इसमें क्या क्या है निम्को में मूंगफली ये से क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मेवा ये अब मैं खाने लगी हूँ। ठीक है मजे की है ये। तो जी ये है मेरा किचन देखिए ये कलर हमने किया है यहाँ ऑफ वाइट है ये सारा ये पिंक यहाँ पे भी पिंक तो सेटिंग जो है ना वो हो गई है थोड़ी बहुत। ये देखते यहाँ बर्तन वाला स्टैंड बर्तन सारे लगाए हुए बाकी चीज़ें ये सारी रखी हुई हैं। तो अभी जो है ना तकरीबन थोड़ा बहुत जो है ना सेट हो गया थोड़ा बहुत रह गया है अभी हम बनाने लगे हैं खाना। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि वो जो स्लैब होती है ना बर्तनों वाली वो बना दें सोच रहे हैं अभी नहीं लगे तो यहाँ पे स्लैब बन जाएगी बर्तन रखने के लिए और बाकी जो सारी चीजें वो हमने वो देखे ऊपर शिफ्ट कर दी। तो अभी माशाल्लाह मतलब कि सेटिंग काफी होने वाली तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब होती जाएंगी। ये नीचे वाले मतलब कि ना यहाँ पर हम सोच रहे हैं दरवाजा वगैरह लगाने की वो खिड़कियाँ वगैरह होती जो ये भी एक बन जाएगा पोर्शन छोटा छोटा ये भी बन जाएगा और इधर इन्होंने मोटर वगैरह लगाई है इधर शायद वो सिस्टम ना बने। ये भी एक मैच ना लेकर आई हूँ हाँ ये दूसरे वाला इसको लगाएंगे लगाए ना मुझे पता लगे प्याज
आलू और इसमें अदरक लहसुन। तो ये एक कोने में मदर रखते था, वो टोकरियां हैं उनमें चीजें रखते हैं लेकिन समय नहीं आती मदर शो काम वहां पे रखे। तो ये सब जो है ना इसको जोड़ के फिट करके एक कोने में यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, कहीं भी रख देंगे तो इसमें सारी चीजें जो है ना कवर हो जाएंगी। अभी फिलहाल ऐसे ही इनको रख दिया है क्योंकि भूख लगी है खाना बनाने लगे, तो बाद में सब करेंगे बाकी इंशाल्लाह। अभी दोपहर का टाइम हो गया, भूख बहुत लगी हुई है, हमने सोचा पहले ना खाने पीने का इंतजाम कर लें, पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा। यस, हालांकि इतना वो बड़ी चीजें नहीं है लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें है ना इनको समेटना बहुत मुश्किल। मोटर बंद कर दे, कर देने हाँ। जा कर जल्दी कर, पानी ले लो, डुलदा पे आना, इस वास्ते कहंदे पिए। आजा 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 एक बटन नीचे भी लगा हुआ है, एक ऊपर भी लगा हुआ है, अगर ऊपर से चलाएंगे तो ये फिर ऊपर से ही बंद होती है, अगर नीचे से चलाएंगे तो ये नीचे से ही बंद होती है, फिर हमने चलाई थी इसलिए फिर हम ही बंद करते हैं। इधर पानी खत्म हो जाता है, थले तीसरी मंजिल थले उतरना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इधर ना वैसे पानी भी बहुत ना थोड़ा आता था उधर, क्योंकि सबसे ऊपर था ना तो ऊपर फिर वो प्रेशर नहीं होता पानी का, इधर सबसे नीचे हम तो पानी बहुत तेज आता है। तो अभी हम बना रहे हैं घिया, क्या बोलते हैं इनको, वाल तोरी। तो तारा जो है ना वो मतलब के ऊपर से छील कर मुझे दे रही है और मैं ये इसको ना काट कर डकड़े डकड़े करना चाहता हूँ अब। तो इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करते हैं दोपहर का लंच भी, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब खाना हमारा थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि जो गैस है ना वो अचानक चलेगी, ये पता नहीं क्या होगा, हालांकि गर्मी का मौसम है जानी नहीं चाहिए थी लेकिन वो चलेगी। तो फिर हम खरबूजा जो अगर हम ये देखें इस पर गुजारा, खरबूजा ले आए हम उस पर, मतलब कि जब तक गैस नहीं आती ना तो पेट पूजा थोड़ी बहुत करते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि किचन की चेंजिंग क्या हमें करनी चाहिए क्या नहीं, तो इस बारे में आप सारा वक्त आपसे गुफ्तगू करती हैं कि किचन कैसा है और इसमें चेंजिंग कैसे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। जी मशवरा ले सकती हैं आप अपने। जी मैं मशवरा ले रही हूँ आपके सामने, ये है थोड़ा लंबाई में है किचन, और जो उसका थोड़ा फ्रंट है ना वो छोटी है, वहाँ पे सिंक लगी हुई है, लगा हुआ है, तो उसके साथ ही मैंने कपड़ों वाला स्टैंड करने लगी, बर्तनों वाला स्टैंड रख दिया है। तो इधर इस साइड पर मैंने चूल्हा रख दिया है, अब जैसे मुझे समझ में आया मैंने रख दिया है, उसके साथ छोटी सी अलमारी बनी हुई है वहीं पर मैंने सारे जो मसाला जात वो रख दिए हैं। अब सिंपल सा यही सी चीज़ें थी जो मैंने उसके ऊपर रख दी हैं, बाकी वो नीचे दराज वगैरह तो है नहीं जिनके वो कबड़ वगैरह होते हैं कि बंदा उनमें सारी चीज़ें रखे तो वो बेहतर लगेगा, लेकिन अभी उसके नीचे जो है ना हम सोच रहे हैं कि ना शीट मिलती है वो ले करना, वो उसके पीस ना करना जिस तरह से वो बने हुए हैं ना नीचे दराज उनके सामने जो है ना लगा दें। अब देखते हैं क्या होता है फिलहाल, ये सोच रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ बताइएगा जैसे आप लोगों को अच्छा लगे तो वैसे कर लेंगे। जी आपने सबने मुझे हमें ज़रूर बताना है कि हम क्या करें क्या ना करें, इसमें अगर कुछ चेंजिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके तो इंशाल्लाह तो फिर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, रमज़ान के रोज़े हैं, रोज़े रखें, सारे रखें, हमें भी रखने तो फीक दे अल्लाह, और हम इंशाल्लाह रख रहे हैं और रखेंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।